नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज जालोर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मानव भूगोल के सिलेबस के बारे में परिचर्चा की थी। आज की क्लास में हम भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि आप लोगों ने BA पार्ट प्रथम वर्ष में भौतिक भूगोल तथा भारत के भूगोल के रूप में भूगोल विषय का अध्ययन किया होगा। आज फिर पुनः हम भूगोल क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी, मींस भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी भौतिक तथा सांस्कृतिक परिघटनाएं घटित होती हैं, वो सभी भूगोल में सम्मिलित होती है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे भौतिक घटनाएं तथा सांस्कृतिक घटनाएं दिखाई गई हैं। ये सभी भूगोल में सम्मिलित की जाती हैं। यदि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति की हम बात करें तो सबसे पहले ये शब्द इरोटोस्तनी महोदय ने दिया था। उनकी पुस्तक का नाम था ज्योग्राफिया। ज्योग्राफी शब्द के अर्थ, मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी की यदि हम बात करें तो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। पहला जो शब्द है वो है जियो। जियो शब्द का अर्थ होता है अर्थ, मींस पृथ्वी। और दूसरा जो ग्रीक शब्द है वो ग्राफी या ग्राफोस है। इसका मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन या वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी शब्द का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। अब यदि हम ज्योग्राफी की डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है वो ये हो सकती है, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ज्योग्राफी, पृथ्वी तल का अध्ययन भूगोल कहलाता है। लेकिन ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते हमें ज्योग्राफी की एक सिस्टेमेटिक डेफिनेशन आनी चाहिए। सिस्टेमेटिक डेफिनेशन के रूप में ये सरल शब्दों में हम ये डेफिनेशन ले सकते हैं, लॉजिकल सिस्टेमेटिक एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स और एनवायरमेंट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। लॉजिकल मींस तार्किक, सिस्टेमेटिक मींस क्रमबद्ध, एनालिटिकल मींस विश्लेषणात्मक और ज्योग्राफिकल फीचर्स हो गए भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों का तार्किक क्रमबद्ध व विश्लेषणात्मक अध्ययन भूगोल कहलाता है। सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे कि ज्योग्राफिकल फीचर्स से हमारा यहाँ क्या तात्पर्य है। भौगोलिक कारकों के अंतर्गत जितने भी भौतिक व सांस्कृतिक कारक आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं वो सब भौगोलिक कारकों में सम्मिलित किए जाते हैं या भौगोलिक वातावरण में सम्मिलित किए जाते हैं। जो भौगोलिक वातावरण है वो दो भागों में विभाजित किया जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट तथा कल्चरल एनवायरनमेंट। जो भी प्राकृतिक घटनाएं आपके आसपास घटित होती हैं या जो भी प्राकृतिक कारक आपके आसपास दिखाई देते हैं वो सभी भौतिक या प्राकृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। दूसरा, मानव के द्वारा निर्मित सभी सांस्कृतिक भूदृश्य सांस्कृतिक वातावरण में सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण मिलकर भौगोलिक वातावरण कहलाता है। अब इस भौगोलिक वातावरण का लॉजिकल तार्किक कि ऐसा कोई घटना यदि घटित हो रही है तो वो क्यों घटित हो रही है, तो उसका तार्किक अध्ययन भूगोल में किया जाता है। दूसरी यदि हम बात करें सिस्टेमेटिक स्टडी, तो सिस्टेमेटिक अध्ययन के अंतर्गत की क्रमबद्धता से अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
सबसे पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करेंगे, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति, उसके बाद पृथ्वी पे महाद्वीप पे महासागरों की उत्पत्ति, उसके पश्चात जो है पर्वत पठार मैदानों की उत्पत्ति। यदि इस तरीके से सिस्टमेटिक स्टडी की जाएगी तो भूगोल विषय को हम आसानी से समझ सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं हम एनालिटिकल स्टडी कि किसी भी भौगोलिक परिघटना का यहाँ पे वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक जो है अध्ययन किया जाता है, उसके कारण परिणामों की परिचर्चा की जाती है। तो ये सामान्य सी ज्योग्राफी की डेफिनेशन है कि भौगोलिक वातावरण का तार्किक क्रमबद्ध व विश्लेषणात्मक अध्ययन भूगोल कहलाता है। यदि आप ज्योग्राफी विषय को समझना चाहते हैं, ज्योग्राफिकल स्किल्स को हमें समझना होगा। अभी ज्योग्राफिकल स्किल्स क्या क्या है? ज्योग्राफिकल स्किल फॉर ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, इसको समझने के लिए यहाँ पे जो है ये चार स्किल्स की मैंने जो है परिचर्चा करूंगी। इसमें पहली है वेहर, कि कोई भी भौगोलिक परिघटना या कारक कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर घटित होती है। तो स्थान की जो है हम ज्योग्राफी में जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो स्थान की जो है परिचर्चा करेंगे करते हैं। दूसरी जो बात होती है वाई, कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना। वाई डज रेनफॉल, वर्षा क्यों होती है। वेयर आर द फार्म्स इन सिंगापुर, सिंगापुर में फार्म्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो स्थान का जो अध्ययन है वो ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है और ये ज्योग्राफी के अध्ययन का एक केंद्र बिंदु भी होता है। नेक्स्ट है व्हाट, कि क्या, कि कोई भी जो है कि वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हाउ, कैसे, हाउ डू वोल्केनो फॉर्म्स, कि जो एग्जाम्पल है ये कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे होती है, उनके कारणों की जो है हम चर्चा करते हैं। इस तरीके से जब भी आप कोई भौगोलिक फीचर्स का अध्ययन करते हो या भौगोलिक परिघटना का अध्ययन करते हो तो उसका अध्ययन करते समय हमारे दिमाग में ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो वेहर, वाई, व्हाट, हाउ, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सब चीजों के द्वारा हम ज्योग्राफी विषय के द्वारा हम ज्योग्राफी विषय को या ज्योग्राफी के टॉपिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हम इसमें हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी की स्टडी अप्रोचेज क्या है, ज्योग्राफी विषय को पढ़ने का दृष्टिकोण क्या है, या ये विषय किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो अप्रोच में जो है हम एक विषय को पढ़ने के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हैं। ज्योग्राफी विषय को पढ़ने की बहुत सारी अप्रोच है, इन सभी अप्रोच में दो अप्रोच जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच और दूसरी है रीजनल अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच अर्थात क्रमबद्ध दृष्टिकोण, और रीजनल अप्रोच का मतलब है क्षेत्रीय दृष्टिकोण। भूगोल विषय को इन दो अप्रोच के द्वारा संपूर्ण भूगोल विषय को समझा जा सकता है। पहली, यदि मैं सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करूं तो सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर इसमें सिस्टमेटिक ज्योग्राफी ऑन द अदर हैंड स्टडी वन इश्यू एट ए टाइम एंड लुक्स एट इट्स वेरिएशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। कॉलेज कोर्सेज सिस्टमेटिक ज्योग्राफी इंक्लूड फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, एनालिसिस ऑफ सोयल्स, क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडी, ह्यूमन ज्योग्राफी। साधारण शब्दों में यदि मैं कहूँ तो जितनी भी भौगोलिक कारक हैं या जो भौगोलिक परिदृश्य पाए जाते हैं, उन भौगोलिक परिदृश्यों का जब वर्ल्ड वाइड वैश्विक संदर्भ में जब अध्ययन किया जाता है तो ये अध्ययन का तरीका सिस्टमेटिक अप्रोच या क्रमबद्ध दृष्टिकोण कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल से इसे हम समझ सकते हैं। जैसे हमें जलवायु के प्रकारों का अध्ययन करना है, अब जलवायु का एक प्रकार हम ले लेते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। ये भूमध्य सागरीय जलवायु के क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं और इस प्रकार की जो जलवायु की विशेषताएं हैं विश्व के किन किन भागों में पाई जाती। तब जब इन सब का सम्मिलित अध्ययन एक टॉपिक में किया जाता है तो ये क्रमबद्ध अध्ययन या सिस्टमेटिक अप्रोच कहलाता है। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के अंतर्गत हम फिजिकल ज्योग्राफी को सम्मिलित कर सकते हैं, एनवायरमेंट ज्योग्राफी को सम्मिलित कर सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी को सम्मिलित कर सकते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को हम सम्मिलित कर सकते हैं।
नेक्स्ट ज्योग्राफी को पढ़ने का एक दूसरा तरीका होता है रीजनल अप्रोच या क्षेत्रीय दृष्टिकोण। क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में जब समस्त भौगोलिक कारकों का अध्ययन किया जाता है तो इसे रीजनल ज्योग्राफी या रीजनल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, एशिया का भूगोल। यदि मैं राजस्थान की भूगोल की बात करूं तो राजस्थान एक क्षेत्र विशेष हो गया। इसमें वो यहाँ के, यदि हम भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर लें, यहाँ की जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, आर्थिक संसाधन, सांस्कृतिक कारक, इन सभी का अध्ययन जो है करते हैं, तो ये अध्ययन करने का रीजनल अप्रोच है, ये अध्ययन करने का क्षेत्रीय दृष्टिकोण है। तो ज्योग्राफी को दोनों ही तरीके से पढ़ा जा सकता है, सिस्टमेटिक अप्रोच के रूप में भी, रीजनल अप्रोच के रूप में भी। क्रमबद्ध दृष्टिकोण के रूप में यदि आप अध्ययन करते हो तो आप फिजिकल ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हो, जो ह्यूमन ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, एनवायरमेंट ज्योग्राफी जो आप पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, ये सब सिस्टमेटिक अप्रोच या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के पार्ट है। और रीजनल अप्रोच या रीजनल ज्योग्राफी की यदि हम बात करें, भारत का भूगोल, एशिया का भूगोल, अमेरिका का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये सब रीजनल ज्योग्राफी या रीजनल अप्रोच के पार्ट है। इस तरीके से ज्योग्राफी को दो तरीकों से पढ़ा जाता है, सिस्टमेटिक व क्षेत्रीय अप्रोच। पीछे मैंने चर्चा की थी कि भौगोलिक वातावरण को दो भागों में बांटा जाता है, भौतिक वातावरण तथा सांस्कृतिक वातावरण। इसी आधार पर भूगोल को दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया जाता है, एक तो है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जो भी प्राकृतिक या भौतिक कारक जो है पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोसेस लीडिंग टू देयर फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल फीचर्स। इस शाखा के अंतर्गत जितने भी प्राकृतिक कारक हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ, उनका वितरण तथा उनका वर्णन जो है वो भौतिक भूगोल में किया जाता है। दूसरी जो मुख्य शाखा है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि आपके बीए पार्ट द्वितीय के सिलेबस में भी है। स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंडस्केप, मानव भू परिदृश्यों या भूदृश्यों का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल कहलाता है। अब ह्यूमन लैंडस्केप क्या होते हैं? मैन मेड, मानव के द्वारा निर्मित सभी जो सांस्कृतिक कारक है वो सब ह्यूमन लैंडस्केप में सम्मिलित होते हैं। जैसे मकान है, सड़कें हैं, फैक्ट्री हैं, ये सब ह्यूमन लैंडस्केप में सम्मिलित होते हैं। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेनेशन द नेचर एंड पैटर्न ऑफ वेरियस ह्यूमन फीचर्स एंड एक्टिविटीज। एग्जामाइंस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर एनवायरमेंट। मानव तथा जो वातावरण है उनके अंतर संबंधों का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल कहलाता है। नेक्स्ट जो है, इनकी सब ब्रांचेज क्या क्या होती हैं? ह्यूमन जो फिजिकल ज्योग्राफी की आपने पिछले साल पढ़ी होंगी, बायो ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, कोस्टल ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ओशनोग्राफी और पैलियो जियोग्राफी। ये सब फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेज हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी की यदि हम बात करें तो कल्चरल ज्योग्राफी, डेवलपमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, ये सभी जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी की जो है ब्रांचेज है। इस साल जो है आपके सिलेबस में ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो है, ह्यूमन ज्योग्राफी के जो है विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन हम आगे समय समय पर करते रहेंगे। अब मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बुक्स राइटर्स के नाम बताऊंगी। ह्यूमन जो ज्योग्राफी है उसकी बुक आप माजिद हुसैन साहब की ले सकते हो, अलका गौतम की ले सकते हो, एसडी मौर्य की ले सकते हो। तो ये कुछ राइटर्स हैं, इनकी बुक्स जो है आप खरीद सकते हो। धन्यवाद।